हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं अनार की जूस की रेसिपी लेकर आई हूँ। घर पे आसानी से कैसे प्योर अनार का जूस निकालते हैं उसे आप ध्यान से देखिए। फ्रेंड्स, ये बहुत ही हेल्दी होता है, तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने दो अनार का दाना निकाल रखा है। अगर आप चाहते हैं कि घर पे इजी तरीके से अनार का दाना कैसे निकालें, तो भी वीडियो में आप लोगों को डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने दाने अलग कर लिए हैं, दाने को धो के छान रखा है। अब हम इसे एक मिक्सर जार में ट्रांसफर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने मीडियम साइज वाला मिक्सर जार में अनार का दाना डाल लिया है। आप चाहें तो इससे भी बड़ा वाला जार ले सकते हैं, अगर आपको ज्यादा क्वांटिटी में जूस बनाना है तो। अब हम इसमें डालेंगे शक्कर। तो अनार ऑलरेडी मीठा होता है, तो यहाँ पे हम एक ही चम्मच शक्कर यूज करेंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिए। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। अब हम ढक्कन लगा के इसे क्रश करते हुए ब्लेंड करेंगे। ध्यान रहे, इसे पेस्ट नहीं बनाना है। तो आप देख सकते हैं, सारे दाने फूट के जूस अलग हो गए हैं। अब हम इसको छान के आपको दिखाते हैं कि इसका बीज कैसे अलग हुआ है। छड़ने की मदद से हम एक चम्मच से प्रेस करते हुए सारे जूस निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं, झरनी में केवल बीज बचा है, सारा अनार का जूस निकल आया है। तो ऐसे ही हम सभी जूस निकाल लेंगे। फिर से देख लीजिए, केवल बीज बचा है और बीज फूटा नहीं है, इसके लिए अपना जूस कड़वा नहीं होगा। अब चलिए हम इसे ग्लास में ट्रांसफर करके आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम लोगों को जूस की बहुत जरूरत है, सबके शरीर में इम्यूनिटी की जरूरत है। तो ये जूस आप भी अपने घर पे तैयार कीजिए। इसे हम पुदीने के पत्ती से गार्निश कर लेंगे, तो ये प्योर जूस बनकर तैयार हुआ। फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये जूस की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़रूर लिखिए कि आपको और कौन सी रेसिपी चाहिए। मैं डालने की कोशिश करूँगी।